बड़े खबरों में आगे VLW यानी विलेज लेवल वर्कर, क्या एक VLW का बेटा अनुकंपा के आधार पर VLW बन सकता है? ये सवाल क्यों? क्योंकि ईचागढ़ और गम्हरिया के गोदाम प्रभारी हैं अभिषेक हाचरा, VLW है लेकिन अनुकंपा के आधार पर और भी कई खेल है। VLW नोटिस भेजकर डराते भी हैं। देख पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सफेद फॉर्च्यूनर नंबर JH05BS0007 अनाज गोदाम के बाहर खड़ी ये गाड़ी किसकी है? आखिर इस गाड़ी में क्यों घूमते हैं ईचागढ़ गोदाम मैनेजर? अगर ये गोदाम मैनेजर की गाड़ी है तो इस पर JMM का झंडा क्यों? क्या गोदाम मैनेजर अभिषेक हाजरा JMM के कार्यकर्ता हैं? हमने ये सवाल उठाया तो हमें कानूनी नोटिस भेज दिया। क्या सोचा गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? हुजूर, हमने तो वही सवाल पूछा जो लोग पूछना चाह रहे, पर आपके रसूख से डर कर पूछ नहीं रहे। कि तो जब JMM का झंडा लगा के अपना फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ये सरासर गैर कानूनी है, क्योंकि सरकारी जो पदाधिकारी है, गोदाम मैनेजर है, वो अभिषेक हाजरा, वो आम जनता को डराने का ये एक साजिश रच रहा है। और साजिश के तहत, क्योंकि जनता अधिकार को मतलब उसके पास नहीं मांग सके। ये जो गाड़ी संख्या J05BS0007, ये गाड़ी राजू सेनापति के नाम पर दर्ज है। इस गाड़ी पर JMM का झंडा लगाकर एवं काला शीशा फिल्म लगाकर ईचागढ़ गोदाम मैनेजर अभिषेक हाजरा हमेशा घूमता है। ये दोनों संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इस पर प्रशासन को जल्द कार्रवाई करना चाहिए। तो दो ठो गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो एक फॉर्चुनर, जो कि फॉर्चुनर का नंबर है J05BS0007 और एवं एक कोई स्कॉर्पियो है वो है आपका 00050 है, ठीक है। वो दोनों गाड़ी जो है गोदाम मैनेजर और डोर स्टेप डिलीवरी राजू सेनापति और अभिषेक हाजरा JMM का झंडा लगा के हमेशा गोदाम आते हैं और एक घंटा आध घंटा भी कभी कभार नहीं रुकते हैं और चल जाते हैं। और एक तो है मुंडा बोल के, मुंडा जो है मुंडा उस प्राइवेट आदमी है, उसको रख के मतलब वो लोग दोनों यूज करता है, यूज करके मालूम क्या करता है क्या नहीं पता नहीं। ग्रामीण अगर कुछ बोलने जाता है तो उसके ऊपर ग्रामीण के ऊपर राशन मांग करने जाता है तो FIR मतलब ईचागढ़ थाना में किया जाता है। तो पूरा खेला है VLW का, क्योंकि महंगी गाड़ी है, JMM का झंडा है, गोदाम मैनेजर साथ में घूमते हैं। सीधे बसंत साहू के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी सरायकेला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बसंत, सीधा सटीक सवाल है आपसे, क्या खेला हो रहा है? देखिए साहिद जी, मैंने नियम का जो है, नियम के तहत में अनुकंपा में उसको मन नौकरी होना है। उनका पिताजी जब डेथ किया था तो नौकरी तो अभिषेक हाजरा को तो मिलना ही है, जो सरकार का नियम गाइडलाइन है। लेकिन गाइडलाइन में यदि मान लीजिए उपायुक्त उसको VLW में योगदान किया तो योगदान के बाद इनको 3 साल का या 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसको ट्रेनिंग हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखिए, इसको VLW यदि बना भी दिया, बनने के बाद ये जो गोदाम मैनेजर जो बन गया, दो जगह, एक जगह नहीं, कामरिया का भी बन गया और आपका ये का भी, सारे ईचागढ़ का भी गोदाम सहायक मैनेजर जो बना, इसमें साफ साफ मैंने गवर्नमेंट का निर्देश है कि वरीय जनसेवक को देना है। लेकिन वरीय जनसेवक जो 1995 से जो जनसेवक उस ब्लॉक में है, गामरिया ब्लॉक में, उनको नहीं दिया गया। ईचागढ़ में जो 1995 से आपका जो जनसेवक है उनको नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं मैंने जिला प्रशासन का खेला बेला समझा जा सकता है जी। शायद जी, जो स्थानीय है वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि आप VLW है, आपका काम कुछ और है, लेकिन आप महंगी गाड़ियों में JMM का झंडा लगाकर आप घूम रहे, कहां किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है इसको? जिस तरह से ये वहां पर
गोदाम मैनेजर बना हुआ है दो जगह का, अनुकंपा पे नौकरी मिली बिना ट्रेनिंग, डायरेक्ट आपकी बहाली हो जाती है। सत्ताधारी जो दल है उसका झंडा लगाकर आप घूम रहे हैं कहीं ना कहीं अपना खौफ दिखाने के लिए कि मैं सत्ता से के बहुत करीब हूँ। किसका संरक्षण प्राप्त है, कुछ और भी लोग है या ये उन लोगों को भी दिग्भ्रमित करके ये पूरा खेल चला रहा है? देखिए साहिद जी, आमतौर से जो मैंने जेएमएम का झंडा लगा हुआ है तो जेएमएम का जो झंडा लगा हुआ है तो जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संरक्षण है, लेकिन हम जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष जो है डॉक्टर शुभेंदु जी से, उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को तो पता नहीं है और इस तरह का है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है कि इस तरह से, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई हमारा समाचार को नहीं देख रहा है। और दूसरा चीज ऐसा है कि देखिए हम लोग तो न्यूज दिखाने वाले हैं, आरोप जो लगा रहा है, जो भी ग्रामीण लगा रहा है या मैंने ऑफिसर बोल रहा है कि इस तरह का बीएलडब्ल्यू का बेटा बीएलडब्ल्यू नहीं हो सकता है, इसमें हमारा न्यूज 11 का क्या दोष है? क्योंकि हम लोग तो अखबार वाले नहीं है कि भाई हम अपना जो सुने उसको लिख दिए, लेकिन ये तो बात कायदा हम लोग बाइट के साथ जो आदमी बोल रहा है। और ऐसा नहीं कि इस जैसे कि आपका ये में अक्टूबर में 25 दिसंबर 2021 में मैंने जब तीन पंचायत का माल नहीं मिला था तो हजारों मैंने ग्रामीण आकर के गोदाम पर ये कर लिया था। ये बसंत जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही हम दिखा रहे हैं और हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक पूरे मामले का खुलासा ना हो जाए कि आखिर कहां से शह मिल रही है हाजरा को। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।